हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रोहित ऑनलाइन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानेंगे और उनके आधार पर सवालों को लगाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। वो जान लेते हैं कि दो महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं। तो पहला जो हमारा सूत्र है वो है फर्स्ट नंबर, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये हमारा पहला सूत्र होता है। और चलिए दूसरा सूत्र देखते हैं। दूसरा सूत्र जो हमारा है वो होता है कॉस ए प्लस बी, सॉरी, और ये कॉस ए माइनस बी ये होता है। और इसके बराबर क्या होगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये दो हमारे सूत्र होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनके आधार पर हम बड़े से बड़े सवाल को छोटे कम पेज में और छोटा सा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे इन सूत्रों को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जो कि ये है क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर वन है हमारा, कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स इज इक्वल टू, हमको सिद्ध क्या करना है कि वन बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमको सिद्ध करना है। यानी कि हम अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारी है कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स ये है। और हमारा सूत्र क्या होता है दोस्तों, सूत्र हमारा होता है कॉस ए कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, यही बन रहा है कॉस ए प्लस ए, ये माइनस का आगे आ गया प्लस का पीछे हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा ये सूत्र बनेगा, इसकी जगह क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी यही होगा। तो आगे हम यही रख देंगे। ए की जगह पर कितना है पाई बाई फोर और बी की जगह पर एक्स है, तो हमारा बनेगा कॉस स्क्वायर ए यानी कि पाई बाई फोर माइनस साइन स्क्वायर बी, बी यानी कि एक्स, ये हो जाएगा। और आगे करते हैं। अब पाई बाई फोर, पाई बाई फोर की कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू रखेंगे। अगर आपको ऐसे पाई बाई फोर की वैल्यू नहीं पता है तो आगे देखते हैं आगे कैसे करेंगे। आगे हो जाएगा हमारा, हम इसे चेंज कर लेंगे, पाई का मान रख देंगे 180 बटे 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब काटेंगे, चार एकम चार, चार चौके 16, दो बचा चार पंजे 20, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। और आगे सॉल्व करेंगे तो हम इसे कॉस 45 का मान रख देंगे, तो कॉस 45 का मान होता है 1 बाई रूट टू, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब स्क्वायर जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो हमको सिद्ध करना था। ये आ गई हमारी क्या, राइट हैंड साइड, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया। तो चलिए एक और छोटा सा दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ताकि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है आसानी से समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर दो है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, साइन 45 डिग्री प्लस ए और साइन 45 डिग्री माइनस ए बराबर होगा 1 बाई टू कॉस 2a, ये हमको सिद्ध करके लाना है। चलिए सिद्ध करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, साइन एक मिनट, ये हो जाएगी हमारी साइन 45 माइनस ए और साइन, सॉरी 45 ये प्लस है, प्लस ए और साइन 45 माइनस ए, ये हो जाएगा
सूत्र हमारा बन रहा है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू रख देंगे 1/√2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम आएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब 1/2 हम बाहर निकाल लेंगे, 1/2 बराबर इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। ये सूत्र होता है हमारा कॉस 2a का, कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, अभी आप आगे पढ़ेंगे ये सूत्र होता है हमारा। तो हम इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 1/2 कॉस 2a, यही हमको सिद्ध करना था, यह है राइट हैंड साइड। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।